वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे, रशिया ने बांग्लादेश को वार्निंग दिया है कि 15 सितंबर तक उन लोगों का जो रिमेनिंग पेमेंट है, मतलब जो पेमेंट ऑलरेडी इंटरेस्ट और जो पेनल्टी है उसको मिला के राउंड अबाउट आपका 630 मिलियन डॉलर से वो बांग्लादेश को पे करना पड़ेगा, अदरवाइज रशिया इसके अगेंस्ट में स्टेप लेंगे। तो ये सब सुन के आप बोल ही सकते हो कि अचानक से क्या हो गया, रशिया को क्या पैसा मिलने वाला है बांग्लादेश, रशिया ने ये वार्निंग क्यों दिया। नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई जो डेट है वो फेल करते तो पेनल्टी और भी ज्यादा बढ़ जाता है, मगर इस बार रशिया ने वार्निंग दिया है। तो एग्जैक्ट क्या हुआ है और इसके साथ इंडिया कैसे कनेक्टेड है, सारा इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो जब से शेख हसीना ने बांग्लादेश के एज ए पीएम से रिजाइन की है उसके बाद से बांग्लादेश में कुछ ना कुछ होता ही रहता है और बांग्लादेश दुनिया में हाईलाइटेड हो गया है डिफरेंट टाइप ऑफ इंसिडेंट। चाहे वो आप जो माइनॉरिटीज है उन लोगों के ऊपर जो अटैक है उसको ले लीजिए, या फिर जो क्रिमिनल या फिर जो टेररिस्ट है जेल में बंद उन लोगों को छोड़ने को लेके ले लीजिए, तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो एक्टिविटीज है बांग्लादेश में ये होता ही रहता है प्रेजेंट दिनों में। मगर इंडिया अभी तक बांग्लादेश को लेके कुछ भी नेगेटिव स्टेटमेंट अपने तरफ से नहीं दिया है या फिर बांग्लादेश के अगेंस्ट में ऐसा कोई एक्शन भी नहीं लिया है, जो कि हम लोग अभी देख सकते हैं कि बांग्लादेश में जो एंटी इंडिया इमोशंस है वो ग्रो करने का कोशिश कर रहा है। मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो बना था जिसने राइटर जो तस्लीमा रश्दी उसने अपने तरफ से एक फोटो ट्वीट किया था, उसको लेके अगर आप चाहे तो आप इसी चैनल में जाके देख सकते हैं। ऑन द अदर साइड दुनिया में सारे जो कंट्रीज है वो इंडिया के जैसे नहीं है, उन लोग अपना जो पैसा है वो एग्जैक्ट टाइम पे चाहिए और अगर एग्जैक्ट टाइम पे नहीं मिलता एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग अपने तरफ से एक्शन लेते हैं। इनमें से एक है रशिया और रशिया ने अपने तरफ से बांग्लादेश को क्लीन एंड क्लियर बोल दिया कि भाई 15 सितंबर जो है वो आपका डेडलाइन है, इस डेट के अंदर आपका जो इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट प्लस आपका जो पेनल्टी चार्जेस बनता है दोनों मिला के आपका 630 मिलियन डॉलर्स होते हैं वो आपको पे करना पड़ेगा। और अगर बांग्लादेश ये पे नहीं कर पाता एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रशिया की तरफ से जो पैसा आउट ऑफ 12 बिलियन डॉलर रशिया ने राउंड अबाउट आपका 7.5 बिलियन डॉलर ऑलरेडी बांग्लादेश में इन्वेस्ट कर दिया है और वो पैसा एग्जैक्ट पूरा जो पैसा है वो साथ ही साथ जो इंटरेस्ट है वो कम्प्लीटली बांग्लादेश को इंस्टेंट देना पड़ेगा। तो देखा जाए तो बांग्लादेश का जो परेशानी है और भी बढ़ गया है। तो ये सब सुनने के बाद आप पूछ ही सकते हो कि भैया इंडिया इसके साथ कैसे कनेक्टेड है। एग्जैक्टली ये जो प्रोजेक्ट था ये एक रशिया की तरफ से एक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट था जो बांग्लादेश में इस्टेब्लिश किया गया और जब ये इस्टेब्लिश किया जा रहा था बांग्लादेश में उस टाइम में तीन कंट्री के बीच में ये प्रोजेक्ट साइन हुआ था, एक है इंडिया, दूसरा है रशिया, ऑन द अदर साइड तीसरा जो है वो आपका बांग्लादेश। रशिया ये पूरा प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहा है जिसमें बांग्लादेश में ये प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश हो रहा है कि बांग्लादेश में पावर जनरेशन होगा और इंडिया के जो बहुत सारे कंपनीज है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो आज के डेट में अगर देखा जाए जो पैसा है वो इंडिया का भी पैसा इसमें लगा हुआ है और इंडिया को भी ये पैसा वापस नहीं मिला, मगर इंडिया ने अपने तरफ से कुछ नहीं बोला क्योंकि इंडिया का जो स्ट्रैटेजी है ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। आज के डेट में अगर आप दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज को देखें तो हर किसी का जो स्ट्रैटेजी है वो अलग अलग है। जियो पॉलिटिकली अगर हम लोग देखें डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट लेवल पर परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यूएस को ले लें, यूएस में अभी इलेक्शन होने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप यूएस के इलेक्शन में खड़े हैं, हो सकता है कि वो जीत जाए, हो सकता है कि वो ना जीते, कमला हैरिस जीत जाए, मगर उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तरफ से इंडिया को वार्निंग दे दिया कि भाई जो कंट्रीज इंस्टेड ऑफ यूएस डॉलर दूसरा कोई करेंसी में ट्रेड करेगा उन लोगों को हम लोग देख लेंगे। आगे जाके हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी से बोल दे कि भाई हम लोग आपके ऊपर बहुत सारा सैंक्शंस डाल देंगे, हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन में ना जीते, तब उनका ये जो बात है उसका क्या वैल्यू रह जाएगा। तो ये जो स्ट्रैटेजी है यूएस का है भाई कुछ भी करने से पहले बहुत बार धमकी देगा, बहुत बार डराएगा, पूरा मीडिया में सब कुछ हाईलाइटेड हो जाएगा। ऑन द अदर साइड इंडिया का कभी भी ये स्ट्रैटेजी नहीं रहा, इंडिया को कुछ बोलना नहीं है, इंडिया डोंट स्पीक, इंडिया जस्ट एक्ट। थोड़ा सा पास्ट में अगर हम लोग चले तो हम लोगों को पता है कि बांग्लादेश में प्रेजेंटली जो एंटी इंडिया इमोशन है वो डिफरेंट टाइप ऑफ वे से स्प्रेड किया जा रहा है और बहुत बार ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का भी कोशिश किया गया है जब से ये गवर्नमेंट चेंज हुआ है, मगर इंडिया ने अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोला। आज के डेट में अगर देखा जाए इंडिया रशिया का रिलेशन बहुत ही अच्छा है। ऑन द अदर साइड जब ये प्रोजेक्ट साइन हुआ था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया अपने तरफ से रशिया को बोला था कि भाई बांग्लादेश जो है हम लोग का एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है और इसलिए आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम में शेख हसीना बांग्लादेश के पीएम थी। मगर प्रेजेंट जो सिचुएशन है ये कम्प्लीटली अलग है जिसके वजह से इंडिया कोई भी भरोसा नहीं रखता है बांग्लादेश के ऊपर। और ऑन द अदर साइड रशिया भी बांग्लादेश का जो प्रेजेंट सिचुएशन है जिसमें मोहम्मद यूनिस जो के ऑलरेडी यूएस से कनेक्टेड है और वो आगे जाके रशिया का पैसा रिफंड करेगा या नहीं या फिर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा या नहीं उसके लेके बहुत सारा क्वेश्चन अराइज हो रहा है। तो ये सब देखने के बाद ऑब्वियसली रशिया अपना जो पैसा है उसको लेकर रिस्क नहीं लेना चाहेगा। ऑलरेडी रशिया का जो पेमेंट था वो एग्जैक्ट डेट में बांग्लादेश ने प्रोवाइड नहीं किया जिसके वजह से पेनल्टी चार्जेस हुआ है।
अब इंटरेस्ट में भी अगर पेनल्टी देना पड़ रहा है बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश का हालत समझे। बांग्लादेश तो मेन जो पैसा है वो तो प्रिंसिपल आपको 2027 से देगा, अभी सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहा है, मगर वो भी इंटरेस्ट एग्जैक्ट टाइम पे नहीं पे कर रहा है। इसके वजह से रशिया ने ये स्टेप लिया और इंडिया ने अपने तरफ से कुछ नहीं बोला। इंडिया जो है ये पूरा जो मैटर है उसको कम्प्लीटली ऑब्जर्व कर रहा है। इंडिया में जब लास्ट लोकसभा इलेक्शन हुआ उस टाइम में ही हम लोग देखे थे कि शेख हसीना इंडिया में आई थी, फिर वो चाइना गई थी ड्यू टू सम लोन्स। जो लोन चाइना के तरफ से बांग्लादेश को नहीं मिला, तो हम लोग को यही पता है कि बांग्लादेश का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो उतना कुछ खास नहीं है। हाँ, ये पास्ट में ग्रो कर रहा था, मगर उस लेवल पे भी ग्रो नहीं कर रहा था जिस लेवल पे बांग्लादेश को भी होना चाहिए था। ऑन द अदर साइड, जब से इंटरिम गवर्नमेंट आया है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये जो इकोनॉमिक कंडीशन है बांग्लादेश का, जो जिस लेवल पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करता था वो भी घट गया है। तो प्रेजेंटली अगर देखें जो बांग्लादेश की इकोनॉमिक कंडीशन है, होपफुली वो उस लेवल पर नहीं है कि बांग्लादेश ये पैसा पे कर पाए। और हो सकता है कि शेख हसीना का एक्सपेक्टेशन था कि आगे जाके हो सकता है कि उन लोगों को जो प्रिंसिपल स्टार्ट होगा पे करने के लिए, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन लोगों को हो सकता है कि बांग्लादेश कभी डिफॉल्ट कर जाए। इसलिए शेख हसीना ने अपने तरफ से रशिया को बोला था कि आप एक काम कीजिए, 2027 से जो स्टार्ट होने वाला है हम लोग का प्रिंसिपल पेमेंट, वो आप 2029 कर दीजिए। तो रशिया उस टाइम में बोला था ठीक है, हम लोग देखते हैं। आज के डेट में अगर बांग्लादेश में शेख हसीना होती तो रशिया ये बात मान भी जाता, और रशिया अपने तरफ से इसमें कुछ मतलब उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि भाई जो कंट्री है वो हम लोग का फ्रेंडली कंट्री है। और अगर रशिया इंडिया को पूछता कि भाई बांग्लादेश ये मांग रहा है कि हम लोग ये प्रोवाइड करते, तो ऑब्वियसली इंडिया भी बोलता हाँ कर दीजिए, क्योंकि ये हम लोग एक फ्रेंडली कंट्री है। मगर प्रेजेंट जो बांग्लादेश का कंडीशन है इसमें रशिया पूरा कम्प्लीटली स्ट्रिक्ट है। रशिया ने क्लीन एंड क्लियर बोल दिया कि भाई अभी जो है आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अगर आप ये नहीं करते तो हम लोग का जो पूरा पैसा है विथ इंटरेस्ट आप लोग हम लोग को पूरा रिफंड कीजिए, और अगर आप वो भी नहीं करते तो ये जो प्लांट है ये आप कम्प्लीटली भूल जाइए। इसके अलावा आप लोग हम लोगों से कुछ भी फेवर एक्सपेक्ट मत कीजिए। तो इस प्रोजेक्ट का डेटा चेक करते हैं। इंटरेस्ट और पेनल्टी मिला के 15 मार्च 2022 से 15 मार्च 2024 तक टोटल जो अमाउंट है वो है आपका 480 मिलियन। 16 मार्च 2024 से 15 सितंबर 2024 तक ये अमाउंट आता है 150 मिलियन। टोटल आउटस्टैंडिंग $630 मिलियन। इसके अलावा भी कमिटमेंट फी $7.5 लाख। और 2027 से जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका भी रीपेमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली टोटल अमाउंट क्या है और बांग्लादेश को कब क्या पे करना पड़ेगा। प्रेजेंटली जो बांग्लादेश को पे करना पड़ेगा वो है आपका $630 मिलियन विद इन 15 सितंबर 2024। ये पूरा प्रोजेक्ट का जो टोटल पैसा है उनमें 90% रशिया अपने तरफ से इन्वेस्ट कर रहा है। ऑन द अदर साइड बांग्लादेश इन्वेस्ट कर रहा है 10%। टोटल जो लोन अमाउंट है वो है आपका $12.65 बिलियन, जिसमें रशिया राउंड अबाउट $7.5 बिलियन ऑलरेडी दे चुका है। ऑन द अदर साइड काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, ये जो प्रोजेक्ट है ये ऑनगोइंग है। और जो इंटरेस्ट रेट है वो है आपका 4% और पेनल्टी का जो रेट है वो है आपका 2.4%। आज के डेट में अगर देखा जाए जो इंटरेस्ट रेट है ये काफ़ी फेयर है, क्योंकि चाइना जो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है डिफरेंट कंट्रीज को ग्लोबली वो बहुत ही हाई रहता है। ऑन द अदर साइड रशिया, हो सकता है कि इंडिया ने उस टाइम में रशिया को रिक्वेस्ट किया होगा कि बांग्लादेश को आप कम इंटरेस्ट में दे दीजिए, और रशिया ने ये भी एग्री कर दिया। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है कंपेयर टू चाइना ये बहुत ही कम है, जो कि एक अच्छी बात है बांग्लादेश के लिए। तो ये सब देखते हुए बांग्लादेश भी चुप बैठने वाला नहीं था, बांग्लादेश को कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली आंसर करना पड़ेगा। तो बांग्लादेश ने अपने तरफ से एक पैंतरा यूज़ किया, जिसमें बांग्लादेश ने कहा कि भाई आप लोग तो डॉलर नहीं ले सकते हो, वो जो सैंक्शंस आप लोग के ऊपर डाला हुआ है, आप लोग डॉलर कैसे लोगे, तो इसके लिए पैसा तो हम लोग के पास बहुत है, मगर जो है आपको पेमेंट कैसे करेंगे। तो रशियन ने अपने तरफ से बोला आप अगर चाहते हैं तो आप एक रशियन करेंसी में भी पे कर सकते हैं, या फिर आप चाइनीज करेंसी में भी पे कर दीजिए, तो उसमें कोई मेजर इशू नहीं होगा। आज के डेट में अगर इंडिया के साथ बांग्लादेश का रिलेशन अच्छा रहता तो हो सकता है कि इंडिया बांग्लादेश को हेल्प करता। अगर बांग्लादेश के पास पैसा रहता और उस टाइम में शेख हसीना बांग्लादेश के पीएम रहती तो इंडिया बांग्लादेश को हेल्प करता कि कैसे पेमेंट करना है। ऑन द अदर साइड जब ये बात आगे आया तो रशिया ने ऑलरेडी क्लीन एंड क्लियर बोल दिया कि हम लोग को सुनना नहीं है, आप ये जो चाइनीज बैंक में अगर आप चाहे तो आप जो चाइनीज करेंसी है उसको यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हैं, हम लोग उसको ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। मगर बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश अपने तरफ से अभी तक कोई भी पेमेंट नहीं किया है। तो ये सब देख के रशिया ने अपने तरफ से धमकी दे दिया है कि अभी आप जो है $630 मिलियन हम लोग को पे कर दीजिए, और अगर आप ये नहीं करते विद इन 15 सितंबर तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोग को पूरा जो पैसा है जो अभी तक हम लोग पे किए है, आगे का कोई पेमेंट तो हम लोग करेंगे नहीं। ऑन द अदर साइड टोटल जो लोन है आपका फ्रीज हो जाएगा,
और आप लोगों को हम लोग जितना भी पे किए हैं वो पैसा प्लस उसका जो इंटरेस्ट होता है वो कम्प्लीटली आप लोगों को रीपे करना पड़ेगा इंस्टेंटली। तो ये सब सुनने के बाद बांग्लादेश तो बहुत ही परेशान हो गया और बांग्लादेश के तरफ से अभी भी कोई आंसर नहीं आया। और हो सकता है कि आगे अगर बांग्लादेश पे ना करे ये जो पैसा है रशिया का, तो बांग्लादेश और रशिया के बीच में ये जो प्रोजेक्ट था ये कम्प्लीटली होल्ड हो जाएगा और अंदर से रशिया अपने तरफ से स्टेप लेगा। तो ये सब सुनने के बाद आपको लग ही सकता है कि भैया ये जो प्रोजेक्ट है एग्जैक्टली ये प्रोजेक्ट में क्या इशू है, क्यों बांग्लादेश पे नहीं कर रहा है। आज के डेट में अगर देखा जाए ये प्रोजेक्ट में कोई फॉल्ट नहीं है, मगर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कम्प्लीटली अपने तरफ से एग्जैक्ट टाइम पे रशिया बना रहा है, इसमें कोई डिले नहीं है। प्रोजेक्ट जब भी कम्प्लीट होगा तभी ये तुरंत अपना जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर देगा। ऑन द अदर साइड बांग्लादेश के पास आज के डेट में जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है, मतलब जो बिजली बनेगा वो बिजली को तो एग्जैक्ट जो लोकेशन है उस लोकेशन तक भेजना पड़ेगा, वो नेटवर्क ही बांग्लादेश के पास नहीं है। तो अगर ये नेटवर्क नहीं रहेगा तो जो प्लांट है वो बिजली बना के करेगा क्या, वो बिजली को तो कहीं ना कहीं भेजना पड़ेगा। तो बांग्लादेश ने अपने तरफ से ये स्टेप अभी तक भी नहीं लिया है कि भाई हम लोग के तरफ से ट्रांसमिशन नेटवर्क बनाते हैं पूरा बांग्लादेश में, जो भी ये बिजली बनेगा जो लोकेशन है एग्जैक्ट लोकेशन में हम लोग इसको भेज पाएंगे। और अगर भेज देते तो ऑब्वियसली उसका जो पैसा है उसका तो धीरे धीरे वो रेवेन्यू आएगा तो प्रोजेक्ट का जो लोन है वो भी रीपे कर पाएगा, एग्जैक्ट टाइम में जो ईएमआई है वो भी भर पाएगा। तो ये जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है ये बांग्लादेश के पास नहीं है और बांग्लादेश अपने तरफ से ये प्रोजेक्ट में साइन भी कर दिया और इतना टाइम भी चला गया, इसके बीच में भी ये ट्रांसमिशन नेटवर्क बांग्लादेश की तरफ से कंप्लीट नहीं हुआ, जिसके वजह से आगे ही अगर ये प्रोजेक्ट लाइव भी हो जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इससे बांग्लादेश का तुरंत कुछ फायदा नहीं होगा अंटिल लोग अपने तरफ से जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है वो बनाता है। तो ये सब सुनने के बाद आप पूछ ही सकते हो कि भाई प्रेजेंटली जो बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट है उसको इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या स्टैंड है। प्रेजेंटली बांग्लादेश में एक न्यूज़ फैला हुआ है सोशल नेटवर्क में जिसमें कहा गया है कि ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में शेख हसीना और उनके जो फैमिली थे वो अपने तरफ से एक ह्यूज अमाउंट जो है वो अपने प्रॉफिट के लिए रख लिया है, मतलब टोटल जो प्रोजेक्ट था उसमें स्कैम हुआ है। बांग्लादेश में जो अपोजिशन पार्टी है वो लोग अपने तरफ से बहुत पहले से ही इसको लेके बहुत बार वॉइस रेज किया है। ऑन द अदर साइड जब ये बात रशिया को पता चला तो रशिया ने अपने तरफ से कम्प्लीटली क्लैरिफिकेशन दे दिया कि भाई इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा जेन्युइन प्रोजेक्ट है, इसमें कोई स्कैम नहीं हुआ। मगर प्रेजेंटली बांग्लादेश का जो एनवायरनमेंट है वो कम्प्लीटली एंटी हसीना है और वही एनवायरनमेंट ये जो अफवाह है इसको और भी ज़्यादा तरह से फैला रहा है और उन लोग का चाहना है कि भाई जो शेख हसीना जिसमें प्रॉफिट हो रहा है उस प्रोजेक्ट में हम लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। मगर रशिया ये बात सुनने को राजी नहीं है। रशिया ने जो लोन दिया था वो बांग्लादेश को दिया था, उसमें कोई भी गवर्नमेंट रहे उसको रीपे करना चाहिए। तो होपफुली 15 सितंबर के बाद इसी स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर हम लोग को जानने को मिलेगा। जैसे ही इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा मैं आप लोग के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा और होपफुली आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा। अगर आपको ऐसे वीडियो और देखना है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU SPACE PAUL को जाकर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारे वीडियोस आपको वहाँ मिलने वाला है। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है आपका लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो टेस्ट है आपको क्या देखना अच्छा लगता है उन तक पहुँचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से आ जाऊंगा। ऑन द अदर साइड जब भी सब्सक्राइब करें जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो जो है डिफरेंट टाइम में आता है, जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।